हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा क्राफ्ट यूजिंग दिस शैम्पू बॉटल। इस तरह की बॉटल्स हमारे पास घर पर खाली हो जाती हैं, तो इसे हम कट कर सकते हैं इस तरह से। आपको नाइफ को गर्म करना है और इस तरह से इसे टू पीसेस में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मोल्डेड, आप शिल्पकार भी बोल सकते हैं इसे। अगर क्ले है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, एमसील है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोनों केमिकल्स को मिक्स कर लेते हैं और एक अच्छा सा हम डो रेडी कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छा सा हमारा मोल्डेड रेडी हो गया है और ऊपर से जो मैंने स्टिकर्स थे वो भी इस पर रिमूव कर दिए हैं। तो चलिए क्ले से हम थोड़ा सा इस पर काम कर लेते हैं। ये हम बनाने जा रहे हैं ट्राइबल मास्क, जो हम अपने होम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इन्हें बनाना, बहुत ज़्यादा सुंदर बनते हैं ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये शैम्पू की बॉटल से बना रहे हैं हम, जो कि हमारे घरों में वेस्ट पड़ी रहती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक गर्ल का फेस बना रहे हैं और इसके बाद हम बनाएंगे एक बॉय का फेस। तो ये हम आइज़ रेडी कर रहे हैं। इसी तरह से आपको मोल्डेड को यूज़ करना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मोल्डेड हम यूज़ कर रहे हैं, एक मोल्डेड का पैकेट हमने एक पार्ट पे यूज़ किया है और दूसरा दूसरे पे। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही चीप रेट्स पे बनके रेडी हो जाता है। अगर आप पेपर क्ले बना सकते हैं घर पे तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, फिर तो ये बिल्कुल ज़ीरो बजट में आपका ये बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए ये हम आइज़ बना रहे हैं और इस तरह से हम पूरे जो फीचर्स हैं वो रेडी करेंगे। तो आप इसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की एक्टिविटीज़ में भी बना सकते हैं, होम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल लुक ये आपके घर को दे सकता है बनने के बाद। इसी तरह से आप इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी और अट्रैक्टिव चीज़ें बनाने के लिए। जब तक मैं इसे बना रही हूँ तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस देख सकें। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक्स फॉर दैट। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी एक्सेसरीज ऐड कर देते हैं इसमें। जो ग्लू मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पेस्टिंग के लिए, वो हमारी एशियन पेंट्स की ग्लू है, जिसका रिव्यू मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको दिया था। बहुत ही अच्छी ग्लू है और इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा होता है, तो आप क्राफ्टिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक ही मोल्डेड के पैकेट से हमने इसे पूरा बना दिया है। तो चलिए इसके बाद हम रेडी करेंगे अपना सेकेंड वाला फेस मास्क। तो ये हमारा रेडी हो गया, इसे हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं और नेक्स्ट जो हमारा बॉय का फेस है हम वो बना लेते हैं। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो, कोई भी आप कमेंट्स देना चाहें, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाली वीडियोज़ में किस तरह का क्राफ्ट देखना चाहते हैं। देखिए इस तरह से हम मैन का फेस ऐड करेंगे। ये भी हमारा एक ही मोल्डेड के पैकेट से बन गया है और हमने यहाँ पर स्माइलिंग फेस बनाए हैं, क्योंकि स्माइलिंग फेस से अपने आप ही बहुत अच्छी ग्रेस आ जाती है। देखिए इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग डिज़ाइंस रेडी कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर कलरिंग करेंगे। ये ड्राई हो चुके हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वाइट पेंट कर रही हूँ पूरे के पूरे मास्क पर। ये एक्रेलिक पेंट है और ये आप फेविक्रिल या पेडीलाइट या फिर कैमलिन, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेस पर वाइट कलर करना है, ताकि जो भी आप इसके ऊपर पेंट करें वो बहुत ही अच्छे से उसकी ग्रेस आ जाए। थोड़ी देर ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेंट शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पिंक या स्किन कलर दिया है और आप अपनी चॉइस के कलर्स दे सकते हैं। इसको बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स भी दे सकते हैं, कूल कलर्स भी दे सकते हैं आप इसे। मैं काफ़ी कलर्स का मिक्सचर इसमें यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ट्रेडिशनल है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने हल्का हल्का मोस्टली कलर्स में वाइट कलर मिक्स करके किया है। तो देखिए यहाँ पर मैं बेस में ग्रीन कर रही हूँ, आप चाहें तो येलो, ब्लू, ऑरेंज, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये मास्क ब्लैक कलर में भी बनाए जाते हैं, वो भी बहुत प्रीटी लगते हैं, तो आप पूरा मास्क ये ब्लैक कलर में भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको सिर्फ एक्रेलिक कलर्स को इसमें फिल करना है। बहुत इजी है इसे बनाना और
ये देखिए हम लोग जितने भी फीचर्स हैं इनके सब में कलरिंग कर रहे हैं। जो नीचे हमने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया था उस पर भी हम सेम कलर यूज़ करेंगे रेड। यहाँ पर आप रेड ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं तीनों लाइंस के लिए। इसी तरह से आप अपनी डिज़ाइनिंग कीजिए, अपने चॉइस के कलर्स यूज़ कीजिए और कुछ यूनिक बनाने के लिए रेडी हो जाइए। और अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी बनाई हुई क्रिएटिविटीज़ को तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aartigarg4@gmail.com पर। देखिए इस तरह से हमने एक्सेसरीज पर भी येलो कलर कर दिया है और इसमें ब्लैक कलर का काम है और अब हम इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। आईज ब्लैक कलर से बनेगी, हेयर ब्लैक कलर से बनेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कलरिंग कर दी है पूरी ऑलमोस्ट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरी कलरिंग करने के बाद किस तरह का लगेगा। देखिए कलरिंग करने के बाद हम इस पर अगर कुछ 3D इफेक्ट देना चाहते हैं और भी तो 3D आउटलाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पिंक कलर का आउटलाइनर है जिसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ट्राइबल मास्क बन के रेडी हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसे लगे। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।